जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी शिव प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का मेरा जो विषय है वो है वशीकरण का सिद्ध काजल। वशीकरण का काजल, आप लोग वशीकरण काजल को लेकर आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन ये काजल बनाने का सही विधि, सही फॉर्मूला शायद आप लोगों को पता नहीं है। आज का मेरा इस वीडियो में मैं आप लोगों को संपूर्ण विधि बताऊंगा, तिथि के सहित कैसे ये वशीकरण काजल को आप लोग अपने घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। साधारण सा कुछ सामान इसमें लगता है और इस सामान से आप ये प्रयोग बड़ी आसानी से आपके घर में बैठकर ही कर सकते हैं। ये प्रयोग करने के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, चतुर्दशी की तिथि में ही ये प्रयोग को आपको करना है। और अगर वो चतुर्दशी तिथि शनिवार को आता है तो अति उत्तम है, और इस स्थिति में आपको कोई भी पूजा पाठ करने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग भैरवनाथ जी का पूजा अगर आप लोग जानते हैं तो भैरवनाथ जी का पूजा उस तिथि में आपको करना है, नहीं तो आपके वहां पर कोई भी भैरव का मंदिर है उस मंदिर में जाकर आप लोग भैरवनाथ जी को पूजा देकर आ सकते हैं और उनको निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जय प्रभु मैं उस उद्देश्य के लिए आज ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, मेरा उस उद्देश्य पूर्ण करें। अगर भैरवनाथ जी का मंदिर आपके जहाँ निवास स्थान से आजू बाजू में नहीं है, निकट निकट में नहीं है, तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को, शिव ही भैरव है, भगवान शिव को आप अपना पूजा अर्चना और मनोवासना का निवेदन कीजिए और बोलिए प्रभु मैं आज ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, आप मेरे गुरु है, आप मुझे आशीर्वाद कीजिए, मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो। उसके बाद आकर आपको ये प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है मैं आगे अपने वीडियो में संपूर्ण बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण विधि वीडियो में है, इससे आगे मुझे कुछ पूछने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। संपूर्ण वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मित्रों, इसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले चाहिए आपको टॉगोर पुष्प, बांग्ला में टॉगोर तगर बोलते हैं, हिंदी में शायद बांग्ला में टॉगोर पुष्प। ये फूल अभी तो सर्दी के समय ये फूल ज्यादा खिलता नहीं है, ये फूल ये सफेद कलर का फूल होता है, ठीक है, इतना छोटा छोटा साइज का फूल होता है, टॉगोर पुष्प चाहिए। और उसके उसके साथ में चाहिए श्वेत अपराजिता पुष्प, सादा अपराजिता, नील अपराजिता होता है सादा अपराजिता, इसका प्रयोग पहले भी मैं एक बता चुका हूँ। श्वेत अपराजिता का पुष्प चाहिए आपको, और श्वेत अपराजिता का पुष्प का पत्ता, एक पत्ता और दो तीन पुष्प ले लीजिए। ये भी दो तीन पुष्प के समो भाग सेम भाग में रहेगा, कुछ ऊपर नीचे नहीं आएगा, सेम भाग में ये सारे सामान को लेना है। उसके बाद त्रिफला चूर्ण जो होता है, जो खाते हैं त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण में एक सामान लगता है, उसको बोलता है बहरा, आमल की, होरतो की एवं बहरा, बहरा का थोड़ा सा एक दो चिमटी बहरा आप इसमें लीजिए। उसके साथ में आपको लगेगा क्या, अपमार्ग का जो पत्ता है, अपमार्ग का पत्ता और अपमार्ग का जो बीज होता है, ठीक है, वो बीज, ठीक है, ये सारे सामान आपको साथ में लेना है। उसको पीसना है, बड़ी अच्छी तरीके से उसको पीसना है। पीसने के बाद आपको एक सूती का लाल कपड़ा या सादा कपड़ा, ऐसा जैसे मैं पहना हूं ऐसा एक कपड़ा ले लीजिए, छोटा सा कपड़ा ले लीजिए। कपड़ा लेने के बाद, ठीक है, आपको दीप के आकृति में बनाना है। ये जो देखिए मेरे पास एक रुई का दीप है, ठीक है, ये दीप के आकृति में आपको बनाना है। कैसे बनाना है, ये जो पेस्ट आप बनाए, ठीक है, उस पेस्ट को आपको क्या करना है, एक वर्ण गाय, यानी कि जो गाय का एक वर्ण है, सफेद तो सफेद, काला तो काला, पीला तो पीला, एक वर्ण गाय का आपको थोड़ा सा दूध लेके आना है। उस दूध को ये सारे सामान में, उस दूध में ये सारे सामान को आपको मिलाना है, ठीक है, ये इसको पीस, एक टोटल इस सारे सामान को पीस लिए पहले, ठीक है, चतुर्दशी के दिन के सुबह में ही इस सारे सामान को पीसना है, इकट्ठा एक दिन पहले भी कर सकते हैं, उसमें असुविधा नहीं है, लेकिन सारे सामान को पीसना है चतुर्दशी के दिन ही, जब चतुर्दशी जब लग जाए तभी ये सारे सामान को आपको पीसना है। पीसने के बाद थोड़ा सा एक कप, लगभग एक कप से भी कम आप दूध ले सकते हैं, दूध में ये सारे सामान को देना है, और उसमें गैस में आपको या चूल्हे में आपको गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब ये आठा आठा टाइप का हो जाए, ठीक है, जब आटा गूंथते हैं, जब आटा आटा हो जाए ना, तो आटा आटा टाइप का जब हो जाए, ये सारे सामान को आपको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद एक ऐसे सूती का कपड़ा लीजिए, सादा हो जाए, लेकिन सूती का ही होना चाहिए, सादा हो जाए, लाल हो जाए, कोई भी कलर का हो जाए, ठीक है, पीला ना होने होए, ठीक है, ये सब कपड़ा में उस सारे सामान को ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। लगाने के बाद ये कपड़ा को ऐसे मोड़ते मोड़ मोड़िए, ये आकृति में लाइए, ऐसे मोड़ते मोड़ते जाइए, ऐसे मोड़ते मोड़ते जाइए, ये आकृति बन गया, ये देखिए ये आकृति बन गया, ठीक है, ये आकृति में आप जाइए, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका काम। अभी इसको रख दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है, सूखने दीजिए, इसको सूख जाएगा। रात को चतुर्दशी के दिन पे रात को 12 बजे फिर आप लोग ये सारे सामान को लेकर बैठिए, आपका मुंह जो रहेगा वो पूर्व दिशा की ओर रहेगा। रहने के बाद उस जो व्यक्ति को आप आकर्षित या वशीकरण करना चाहते हैं, व्यक्ति का ध्यान, आपको व्यक्ति का फोटो सामने रखना है और दीपक का मुंह
ये है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, दीपक का मुंह ठीक ऐसे रहेगा व्यक्ति के सामने और आप पीछे बैठेंगे, ये आप है, ये दीपक है, ये उस व्यक्ति का फोटो है, ठीक है ऐसे रख दिए। अभी भैरवनाथ जी का जो पूजा आप सुबह को किए थे, अभी भैरवनाथ जी का पूजा अगर आप लोग जानते हैं, विधि आपको पता है, तो उसी समय बैठकर भैरवनाथ जी का ध्यान पूर्वक भैरवनाथ जी का पूजा अर्चना कीजिए। भैरवनाथ जी का कुछ भी भोग लगा सकते हो, दीपक को जलाने से पहले भैरवनाथ जी का पूजा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो पहले सुबह को ही भैरवनाथ जी का पूजा अर्चना करके आइए, जो मैं वीडियो के पहले बताया, अर्चना करके आए, मान लीजिए पूजा अर्चना करके आए, उसके बाद का प्रोसीड्योर मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ये है फोटो, ये है दीपक, पीछे आप बैठे, आप अभी ध्यान पूर्वक उस व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित करने की, मैं पिछले वीडियो में बताया था वशीकरण 3 सूत्रों में होता है, आज मैं आपको एक और सूत्र बताता हूँ। देखिए जब सर्प को आप देखते हैं, जो खेल दिखाने के लिए आता है सर्प को आप देखते हैं, जब बीन बजने से सर्प क्या होता है, एक जगह में स्थिर और स्थायी हो जाता है। आप लोग देखेंगे बीन बजने से सर्प एक जगह में स्थिर और स्थायी हो जाता है, वो बीन का ध्वनि को सुनता है, सर्प सुन नहीं सकता मित्रों। सर्प क्या करता है, वाइब्रेशन, ठीक है, वो जो बीन का जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का अनुभूति करता है अपना शरीर से, वाइब्रेशन अनुभूति का, तो और उससे वो मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, या वशीकरण कुछ भी समझ लीजिए, वो एक जगह में स्थिर हो जाता है। अभी और एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है, शब्द, पहले मैं बोला शब्द जो है ब्रह्म है, शब्द से आपका जो को मंत्र उच्चारण करेंगे इससे क्या होगा, आपका सिद्ध हो जाएंगे, आपका अनुभूति, आपका जो बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, उस इलेक्ट्रिसिटी से दूसरे किसी को आप चार्ज कर पाएंगे, यही है तंत्र, ठीक है। तंत्र ये नहीं है लॉन्ग मुंह में रख लो, इलायची मुंह में रख लो, उससे कुछ वशीकरण हो जाएगी, उससे कुछ हो जाएगा, यही है तंत्र, ठीक है। तंत्र यानी कि शिक्षित लोगों के लिए, कुछ जानिए, कुछ पहचानिए, कुछ समझिए बात को, उसके बाद तंत्र को अप्लाई कीजिए। अभी और एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, देखिएगा जंगल में हिरन जब रहता है, ठीक है, हिरन कोई संगीत, ठीक है, कोई बांसुरी का धुन, कोई संगीत का धुन सुनकर वो थोड़ा कुछ समय के लिए रुक जाता है, ठीक है। अब देखिएगा बहुत सारे वीडियो ऐसा है, और ये तो मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत सदियों पुराना प्राचीन बातें हैं, लेकिन अभी भी आपको कोई कोई जगह में देखने के लिए मिल जाएगा, कोई कोई वीडियो अभी भी अपलोड होता है, जो हिरन ध्यानपूर्वक संगीत को सुन रहा है, हिरन भी संगीत का ध्वनि से आकर्षित हो जाता है, या वशीकरण हो जाता है, वशीभूत हो जाता है, वो कुछ देर के लिए स्तंभित हो जाता है। शब्द है ब्रह्म, ठीक है, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, ये शब्द है ब्रह्म, ठीक है। ये ब्रह्म की शक्ति को जगाने के लिए आपको निरंतर जाप करना पड़ेगा, निरंतर आपको जाप करना पड़ेगा, पूजा पाठ से आपको भक्ति मिलेगा, लेकिन जाप से आपको शक्ति मिलेगा, उस शक्ति से दूसरे किसी को चारित या पीड़ित कर सकते हैं। आपका सोच दूसरे किसी के ऊपर आरोप करने के लिए खुद का शक्ति बहुत जरूरी है, खुद का शक्ति को जागृत करना बहुत जरूरी है, जो कुलकुंडली शक्ति बोलता है। पिछले वीडियो में बोला ज्योति ज्योति ज्योति, सब लोग ज्योति के बोला, ज्योति कौन देखा है, ज्योति के बीच में मत भागिए, अपने आप को शक्ति बनाइए, सोहम शिवम सब बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसके लिए अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा, इस वीडियो में इस विषय में बात नहीं करता हूं। तो अभी क्या करना है, ठीक है, अभी आप उस दिए को जब जलाएंगे, ठीक है, आज उस व्यक्ति का नाम से दिए को जलाइए, ठीक है। जलाने के बाद पहले दिए में जो तेल या घी डालेंगे, उसके लिए एक छोटा सा बात मैं आप लोगों को बोल देता हूं, आपको क्या करना पड़ेगा, घी अगर घर में अगर तैयार कर सकते तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं तैयार कर सकते तो आपके वहां पे किसी से भी पूछिए जो गाय का घी कहाँ पे बनता है, ठीक है, मैंने गाय का घी कौन बनता है, भैंस का घी से ये प्रयोग आपका नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, आपके वहां पे साधन नहीं है, गाय का घी आपको नहीं मिल सकता है, तो थोड़ा बहुत ढूंढ लीजिए, ढूंढने से सब कुछ मिलता है मित्रों, थोड़ा सा ढूंढिए। ये जो प्रयोग है, प्रयोग करने के लिए आपको कितना पैसा खर्चा हो रहा है, आप कैलकुलेशन अपने हिसाब में कर सकते हैं। तो ये प्रयोग अगर आप लोग करना चाहते हैं, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, दो ही रास्ता है, मेहनत कीजिए या पैसा लगाइए, इसमें से जो भी आपको रास्ता आपको सुइटेबल लगे उस रास्ता में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये बहुत ही आपके लिए मेहनतपूर्ण कार्य लगता है, पैसा लगा के काम कीजिए, कोई असुविधा नहीं है। उसके बाद गाय का घी इसमें डालिएगा, अपने हिसाब से गाय का घी डालिए, गाय का घी डालने के बाद उस दीपक को जला लीजिए। अभी दीपक को जलाने के बाद भैरवनाथ जी को प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरा मनोवासना मेरे उद्देश्य पूर्ण कीजिए। अभी आ रहा है काजल को इकट्ठा करने के बाद, काजल को इकट्ठा जब आप करेंगे तो आपको किसी तांबे का पात्र में आपको काजल को इकट्ठा करना पड़ेगा, या केले का पत्ता में काजल को इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। केले का पत्ता भी ले सकते हैं, और तांबे का कोई पात्र ले सकते हैं, कोई छोटा सा थाली कोई ले सकते हैं, उसमें काजल को इकट्ठा करना पड़ेगा। काजल को इकट्ठा एक बार कर लिए तो काजल बहुत दिनों तक आपका काम में आएगा। उस काजल को लगाने के बाद आप जिस भी व्यक्ति के सामने जाएंगे, वो व्यक्ति संपूर्ण आपको देखकर वशीभूत हो जाएगा। भैरव तंत्र में भगवान शिव ने संपूर्ण ये प्रयोग बताया है, कोई मेरा क्रिएट किया हुआ प्रयोग नहीं है मित्रों, ठीक है, ये स्वयं महादेव ने भैरव तंत्र में ये प्रयोग बताया। ये प्रयोग का दुरुपयोग कभी ना करें, प्रयोग को जब भी आपका कोई उद्देश्य हो, हर समय ये ध्यान रखें वशीकरण एक सामूहिक प्रयोग है, कोई भी प्रयोग
भौषिकरण का या उच्चारण का या विद्दर्शन का कोई भी प्रयोग, शांति कर्म को छोड़कर कोई भी प्रयोग ज्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं करेगा। 3 महीना, 4 महीना या 6 महीना ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद यह टूट जाएगा। जितना भी पावरफुल करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद भी आपको प्रयोग आपका काम में नहीं आएगा। मेरा बात को अभी अगर विश्वास नहीं होता है, प्रयोग करवा के देखिए, एक ना एक समय आपको मेरा बात के ऊपर जरूर विश्वास और भरोसा हो जाएगा। ये प्रयोग संपूर्ण विधि में बता दिया, चतुर्दशी दिन ही शुरू होगा, चतुर्दशी के दिन ये संपूर्ण प्रयोग खत्म हो जाएगा। रात को 12 बजे के बाद आप ये प्रयोग को दीपक को जलाइए, दीपक जब तक पूरा खत्म न हो जाए तब तक उसको पकड़ रखिए। अगर गर्म हो जाए तो चिमटा से पकड़ सकते हैं, ठीक है। केला का पत्ता अगर लेते हैं तो केला का पत्ता पीछे थोड़ा बड़ा रहेगा डंडा, अब उसको पकड़ के बड़ी आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। अगर एक जगह में थोड़ा गर्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो दूसरी जगह भी पकड़ सकते हैं। आपको काजल को इकट्ठा करके लेके एक पात्र में रखना है, बस यही है पद्धति। उसके बाद जब भी आपको इच्छा हो प्रयोग काजल को लगाने का, काजल को आप बड़ी आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। भैरवनाथ जी का स्मरण करके आप ये काजल को इस्तेमाल कीजिए और ये काजल को अप्लाई कीजिए, करके देखिए। कोई भी मैं आशा करता हूँ ये प्रयोग को करने से आपका इच्छित जो नर नारी जिसको भी आप बस में करना चाहते वो व्यक्ति आपके संपूर्ण बस में आ जाएगा और आपका बात भी मानेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आगे ऐसा आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। हरिओम तत्सत।